और इस पर जो खबर आ रही है एनडीए की बैठक हुई है पीएम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में, और कहीं ना कहीं पीएम ने यह एड्रेस किया है कि तमाम जो पार्टियां हैं उनकी विचारधारा कई बार अलग हो सकती है, लेकिन हम सबका एकमात्र मकसद है जनता की भलाई के लिए काम करना। इस कारण से सब एनडीए का हिस्सा हैं और हम सब एनडीए में साथ हैं, एक बड़ा परिवार है। लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष और सांसद चिराग पासवान हमारे साथ हैं। पासवान साहब, जिस तरह से बैठक हुई है, बैठक में जिस तरह से देखा जा रहा है कि अब शिवसेना अलग बैठेगी, अपोजिशन बेंचेज में बैठेगी, आपको तकलीफ भी हो रही है, आपके सहयोगी थे और अलग बैठेंगे आपके साथ, किस तरह की कोऑर्डिनेशन कमेटी की जरूरत आपको लगती है जिसकी वजह से समाधान होगा इसमें? देखिए, हम लोग चाहते हैं कि एक समन्वय समिति हो जहाँ पे रेगुलरली हम लोग को इस तरीके का प्लेटफॉर्म मिले। आज मैंने धन्यवाद भी किया प्रधानमंत्री जी का कि जिस तरीके से हम लोग को ये प्लेटफॉर्म मिला है, तमाम घटक दल एक साथ मौजूद हैं और हम लोग एनडीए को लेकर तमाम विषयों पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, तो ये प्लेटफॉर्म हम लोग को रेगुलरली मिले, इसीलिए हम लोगों ने आग्रह किया कि एक कोऑर्डिनेशन कमेटी का गठन हो या कि एक कन्वेनर नियुक्त किया जाए ताकि विचारों का आदान प्रदान निरंतरता में बना रहे और ताकि विपक्ष जो कभी ना कभी इस बात का भ्रम फैलाता है कि भैया कोऑर्डिनेशन नहीं है या दरार है घटक दलों के बीच में या घटक दल छोड़ के जा रहे हैं, तो इस तरीके की जो परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं अगर लगातार संवाद होता है, लगातार विचारों का आदान प्रदान होता है, समस्याओं का आदान प्रदान होता है, सुझावों का आदान प्रदान होता है, तो मुझे लगता है कि वो तालमेल बेहतर बना रहता है। इसीलिए मैंने आज ये आग्रह किया माननीय प्रधानमंत्री जी से कि संभवतः एक समन्वय समिति या एक संयोजक नियुक्त किया जाए। आपको लगता है कि शिवसेना अभी चली गई है, कोऑर्डिनेशन कमेटी होती, कोई बातचीत करने वाला, तो चीज़ें सॉल्व हो सकती थी? देखिए, कहीं ना कहीं यस, बिल्कुल, अगर कोई बातचीत करने वाला होता और अगर कोई थर्ड पार्टी अगर आपके दो पार्टी के विषय में अगर इंटरफेयर करती है और वो अपना तीसरे दृष्टिकोण अगर देती है, तो कहीं ना कहीं समस्या को सुलझाने में उससे मदद मिलती है।